जीत गया, मैं जीत गया, इंडिया जीत गया, जिंदगी में जिंदगी तो एक दमदार जीत के साथ आगाज हुआ है हमारा वर्ल्ड कप में। इस पर हम और विस्तार से जानकारी यहां पर लेते हैं। हमारे सहयोगी रवीश बिष्ट इस वक्त साउथहैम्पटन में ही मौजूद हैं। रवीश, कल आप तमाम रिपोर्ट्स हम तक दे रहे थे, ये ठीक है कि हर कोई क्रेडिट दे रहा है रोहित शर्मा को, लेकिन यहां पर जो हमारे तीन गेंदबाज जिनकी लगातार हम यहां पर भी चर्चा भी कर रहे थे अपनी स्टोरी में, उन्हें भी क्रेडिट देना जरूरी है, उन्हें नहीं भूल सकते हम। देखिए, रोहित शर्मा के लिए अगर बल्लेबाजी वहाँ पर आसान रही, कंफर्टेबल रही, और भारतीय बल्लेबाजों के लिए अगर बल्लेबाजी आसान हो गई या कह सकते हैं कि जीत आसान हो गई, तो क्रेडिट पूरा गेंदबाजों को देना होगा, चाहे उसमें जसप्रीत बुमराह हो जिन्होंने अर्ली ऑन स्ट्राइक किया, दो विकेट हासिल किए, साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर पर जो कह सकते हैं कि एक बड़ा स्ट्राइक उन्होंने किया जिसकी वजह से वो वहाँ पर धराशायी हो गए। उसके बाद युजवेंद्र चहल की बात करनी होगी, मिडिल ओवर्स में किसी बल्लेबाज को साउथ अफ्रीका के उन्होंने आराम से खेलने नहीं दिया और चार विकेट वहाँ पर चटकाए। कुलदीप यादव ने उनका अच्छा साथ दिया और भुवनेश्वर कुमार भी बाद में आए और उन्होंने भी दो विकेट चटकाए। तो कॉम्बिनेशन जो था, मैं कहूंगा क्रेडिट ज्यादा गेंदबाजों को आपको देना होगा, क्योंकि 227 पे उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को। और उसके बाद क्या हो गया कि जब आपके पास टोटल बड़ा नहीं होता है, जब लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, तो आप थोड़ा आराम से कूल कामनेस के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, जो कि भारतीय बल्लेबाजों का हुआ भी। तो क्रेडिट बिल्कुल आपको बॉलर्स को देना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, स्पेशली जसप्रीत बुमराह एंड युजवेंद्र चहल। बिल्कुल रवीश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि टीम इंडिया की जीत के जो हीरो वैसे तो कई हैं, लेकिन इस जीत में एक ऐसा भी नाम है जिसने बड़ी ही खामोशी के साथ अपने काम को अंजाम दिया। जी हाँ, हम यहां पर बात कर रहे हैं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की। साउथहैम्पटन में टीम इंडिया की शानदार जीत, बुमराह ने रखी टीम इंडिया की जीत की नींव। बुमराह के आगे बेबस दक्षिणी अफ्रीकी बल्लेबाज। साउथहैम्पटन में खेले गए विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से मात देकर मिशन वर्ल्ड कप का शानदार आगाज किया। यूं तो भारत की इस जीत के कई अहम किरदार थे, रोहित शर्मा ने जहां शानदार शतक जड़ा, तो वहीं युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट झटक कर दक्षिण अफ्रीकी टीम की कमर तोड़ दी। लेकिन इस जीत पे अगर बुमराह का जिक्र ना हो तो ये कहानी पूरी नहीं होगी। बुमराह का टीम इंडिया में होना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाजों को सस्ते में पैवेलियन भेज दिया। अपने 10 ओवर में बुमराह ने महज 35 रन पर 2 विकेट झटके। कप्तान कोहली ने टीम इंडिया की जीत पर बुमराह की जमकर तारीफ की। कोहली ने कहा, अफ्रीकी टीम 2 हार के साथ मैच में उतरी थी, इसलिए ये जरूरी था कि हम शुरुआती 15 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करें। बुमराह अलग ही स्तर पर खेल रहे हैं, जिस तरह हमारे गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को दबाव में रखा, उसका श्रेय बुमराह को जाता है। बाद में युजवेंद्र चहल ने भी शानदार गेंदबाजी की। क्रिकेट के जानकार और दिग्गज मानते हैं कि बुमराह की गेंदबाजी के आगे टिकना आसान नहीं है। शुरुआती स्पेल और स्लॉग ओवर में बुमराह का सामना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखिए, जसप्रीत बुमराह जो है वो सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि वो नंबर 1 गेंदबाज हैं इस समय वर्ल्ड के, और वो बार बार इसको प्रूव भी करते हैं कि जो पहला उनका स्पेल होता है वो किसी भी वर्ल्ड का कोई भी बल्लेबाज हो उसके लिए झेलना आसान नहीं होता है। ये हमने IPL में भी देखा, जहां उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को भी बड़ा परेशान किया था जो उनके साथ टीम इंडिया में, और यहां पे भी हमने देखा कि उनका जो ओपनिंग स्पेल था वो बहुत ही घातक साबित हुआ साउथ अफ्रीका के लिए, और साउथ अफ्रीका फिर उससे उभर नहीं पाया। तो जसप्रीत बुमराह, उनका जो एक्शन है, उनके पास जो डिफरेंट जो बॉलिंग है, उनके पास डिफरेंट अलग अलग तरीके की वो गेंदें डाल सकते हैं, वो किसी भी बल्लेबाज के लिए पिक करना आसान नहीं होता है, और ये उन्होंने फिर से एक बार मैच में दिखाया है। वनडे रैंकिंग में बुमराह नंबर 1 गेंदबाज है। बुमराह फिलहाल शानदार फॉर्म में है। टीम इंडिया को उम्मीद है कि अगर बुमराह ऐसे ही फॉर्म में रहे तो विश्व कप में 1983 का इतिहास दोहराया जा सकता है। लंदन से रवीश बिष्ट के साथ टीम न्यूज़ नेशन।